स्वागत है आप सभी लोग जेटेक बॉस के इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोडिंग करने जाते हैं तो आपके फोन में डाउनलोड नहीं होता है, डाउनलोडिंग पेंडिंग दिखाता है। जैसे मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कि किसी भी ऐप को अगर डाउनलोड करने जाते हैं तो वो पेंडिंग दिखाता है और आपको ऐसा लगता है कि या तो मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम है, या तो मेरा नेट नहीं सही चल रहा है, या वाईफाई में भी जाकर चेक करते हैं तो भी आपका जो है डाउनलोडिंग पेंडिंग दिखाता है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो एक सेटिंग से मिस्टेक रहता है तो वो सेटिंग आपको जाकर चेंज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो सेटिंग कैसे चेंज करना है और उस प्रॉब्लम से कैसे सोल्यूशन आपको मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बता दूंगा। अगर आपको प्ले स्टोर से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो मैं यहाँ कार्ड में दे दूंगा उसका लिंक, वहां से देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। दो तीन वीडियोस पे मैं बना चुका हूं तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका सारा प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको प्ले स्टोर को अपडेट करना पड़ेगा उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दिया हूं, कार्ड में दे रहा हूं, और उसके बाद आप जो है किसी भी ऐप को डाउनलोड करने जा रहे हैं तो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका सलूशन दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपका डाउनलोडिंग पेंडिंग जो दिखा रहा है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी चैनल पहली बार है जेटेक बॉस पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की जेनुइन वीडियो देखने के लिए, और आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए आगे आने वाली वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और आपके जितने फ्रेंड है जो जिनको जो प्ले स्टोर यूज करते हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम कभी ना कभी आती होगी या आ रही होगी, उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे और आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर आपका जो किसी भी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं डाउनलोडिंग पेंडिंग दिखाता है उसको कैसे सही करना है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी फोन में सेम यही प्रॉब्लम आई थी। मैं भी प्ले स्टोर से कोई भी चीज़ को डाउनलोड लगा रहा था तो डाउनलोडिंग पेंडिंग आ रहा था। तो इसके बाद मैं भी यूट्यूब पर जाकर देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा, इस तरह की बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। जैसे OLX करके जो ऐप है उसको मैं डाउनलोडिंग में लगाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि वो कैसे काम करती है। तो यहाँ पहले इसका देख लीजिए कि सब कुछ सही है, कुछ भी प्रॉब्लम जैसा सेम रहता है वैसा ही है, लेकिन मैं इसको अभी डाउनलोडिंग में लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, मैं डाउनलोडिंग में लगाया तो डाउनलोडिंग पेंडिंग दिखा रहा था। तो मैं पहले खुद से यूट्यूब पे जाकर वीडियो देखा, मुझे मालूम पड़ा कि ये क्या है कैसा है, फिर बाद में मुझे आइडिया मिला कि ये डाउनलोडिंग पेंडिंग क्यों दिखा रहा है और सब लोग बहुत लोग ऐसा प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं वीडियो बनाया। मैं मोबाइल नेट में हूँ, आप वाईफाई में भी जाएंगे तो भी यही है, मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे तो भी यही प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ कि इसको ये डाउनलोडिंग पेंडिंग जो रहा है इसको डाउनलोडिंग पे कैसे लगाना है। कुछ सेटिंग में कुछ मिस्टेक है, वो सेटिंग जाकर सही करना है, फिर अपने आप आपका जो है डाउनलोडिंग स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ सब कुछ ओपन सही चल रहा है जैसे चलना चाहिए वैसे ही है, सिर्फ डाउनलोडिंग पे जब लगाता हूँ इंस्टॉल पे लगाता हूँ तो लिखा के आता है कि डाउनलोडिंग पेंडिंग। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको अपना कोई भी ऐप को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में, सेटिंग में जाएंगे तो आपको सेटिंग में कुछ चेंज करना है तो यहाँ आपको गौर से देखना है। सेटिंग में जाने के बाद ऊपर देखिए ऐप्स एंड नोटिफिकेशन जो है उस पर क्लिक मारना है, आपका कहीं भी होगा ऊपर नीचे जहाँ भी होगा ऐप्स करके उसमें जाना है। उसके बाद गूगल प्ले स्टोर को क्लिक मारना है, उसमें ढूंढ लेना आपको लिस्ट में आपका गूगल प्ले स्टोर जहाँ भी रहेगा वहाँ जाके चेक कर लेना। उसके बाद मैं सबसे पहले परमिशन में जाकर देख लेता हूँ कि क्या है इसमें परमिशन, मैंने क्या क्या दिया है। ऐसे आप सब परमिशन भी देकर रखेंगे तो परमिशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ परमिशन से रिलेटेड क्या क्या इसमें परमिशन है। तो मैं दो परमिशन देकर रखा हूँ, दो नहीं दिया तो आपकी मर्जी, आप दे भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए मैं ऐप नोटिफिकेशन में भी जाकर चेक कर लेता हूँ, सब देख चेक लगाऊँ कि हाँ सब परमिशन मेरा ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कुछ छेड़खानी भी आपको करना नहीं, आपका जैसा है वैसा ही। लेकिन यहाँ जो स्टोरेज है स्टोरेज पे क्लिक मारना है, और यहाँ देखिए आपको MB दिखा रहा है 7.18 MB और 4.18 MB, तो आपको क्लियर डेटा पे क्लिक मारना है। यहाँ आप देख सकते हैं क्लियर डेटा पे क्लिक मारना है, क्लियर याद रखिए क्लियर डेटा पे जब क्लिक मारेंगे तो ओके का एक ऑप्शन आएगा, डिलीट डेटा करके आएगा, उस पर क्लिक मार देना है। उसके बाद आपको बाहर निकल जाना है यहाँ से, आप देख लीजिए ये सेम सेटिंग कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो क्लियर डेटा करके बाहर निकलेंगे, यहाँ देखिए 0.0 हो गया, जो डेटा था 7.18 MB था वो 0 हो गया। तो आपको वापस आना है, वापस आने के बाद मैं फिर से डेटा पे जाता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या है कैसे काम करती है। उसके बाद फिर मैं वापस आ गया, वापस आने के बाद आपको मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ मेरा सब सेटिंग वैसा ही है, लेकिन आपको एक और काम करना है, वो है फोर्स स्टॉप जो है उस पर क्लिक मारना है, डिसेबल पे क्लिक नहीं मारना है, फोर्स स्टॉप पे क्लिक मारेंगे, परमिशन मांगेगा ओके तो ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आप वापस आ जाइएगा इस ऐप से, आपको और कुछ नहीं करना है, चुपचाप वापस आना है। वापस आने के बाद इस ऐप को मतलब अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑफ करने के बाद फिर ऑन करना है। तो मैं वापस आता हूँ और आपको दिखाता हूँ स्विच ऑफ करके ऑन करके, फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अब मेरा डाउनलोडिंग होता है कि नहीं। तो मैं स्विच ऑफ करके ऑन कर लिया हूँ, अब मैं जाता हूँ फिर से प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद मैं डाउनलोडिंग पे लगा के दिखाता हूँ कि वो डाउनलोडिंग होता है या नहीं होता है। आपके सामने ये कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल नेट है तो थोड़ा स्लो है, अब वाईफाई में जाके कर लीजिएगा, अब जिस चीज़ में भी कीजिएगा आराम से हो जाएगा। सिर्फ यही सेटिंग चेंज करना था और कुछ नहीं करना था, और यही एक प्रॉब्लम था। तो मैं उसी ऐप को लगाता हूँ, OLX करके जो है जिसको मैं लगा रहा था वो डाउनलोडिंग पेंडिंग लिख के आ रहा था, उसको ही लगा के आपको मैं प्रूफ दे देता हूँ कि आपको भी आइडिया हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो और आपको इन्फॉर्मेशन सही लगेगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए होंगे। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ इंस्टॉल पे और देखते हैं कि ये इंस्टॉल होता है कि नहीं, मतलब डाउनलोडिंग होता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए डाउनलोडिंग पेंडिंग जो लिख के आ रहा था वो पेंडिंग खत्म हो गया, सिर्फ डाउनलोड लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये डाउनलोडिंग होगा।
अब मैं आपको प्रोसेस भी दिखा देता हूँ कि होता है कि थोड़ा नेट में हूँ, मोबाइल नेट में हूँ, इसके लिए पहले बता दिया मोबाइल नेट में हूँ, थोड़ा सिलो है। यहाँ देखिए डाउनलोडिंग चालू हो गया। तो थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इस तरह की इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है या और भी कोई वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। और आपके किसी भी फ्रेंड का इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप अगर खुद से कर सकते तो खुद से जाकर कर दीजिए, नहीं तो आप इस वीडियो को उसको शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू।